हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं एम्स 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में एम्स यानी कि AIIMS 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर के जो है सबमिट किया जा सकता है, उसी के साथ साथ एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसी के साथ साथ एम्स 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर एम्स 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज उसकी रिगार्डिंग आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं एम्स 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे जो google.com ओपन कर लेना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना होगा एम्स 2021, और आगे आप लोगों को लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आप सिंपली एक क्लिक पे अपना जो एम्स का एडमिट कार्ड है या एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म बोलिए या किसी भी इवेंट की बात कीजिए, आप हर एक इवेंट के लिंक में जाके सिंपली एक क्लिक से आप इस इवेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ हर एक डिटेल आपको एम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अब बात करेंगे, हम इसे गूगल में सर्च कर लेना है। गूगल में सर्च करते जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करते आपके सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एम्स 2021 की फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एम्स 2021, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स MBBS के जो एंट्रेंस एग्जाम है ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं एम्स के द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में है, उसमें इसलिए वो कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि जो भी कैंडिडेट जो भी इंस्टीट्यूट को जो इंटरेस्ट है एम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में, यानी कि एम्स यूनिवर्सिटी के टोटल 9 यूनिवर्सिटीज़ है, 9 कैंपसेस है अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटीज़ है एम्स की, तो उसमें से किसी में भी अगर मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने की कैंडिडेट की ख्वाहिश है तो उसलिए उसे एम्स MBBS के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तो ही वो इस एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चालू करते हैं, लाइक यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट दे दिए गए, कहाँ कहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट अवेलेबल है एम्स के। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, भोपाल, ऋषिकेश, पटना, जोधपुर, गुंटूर, नागपुर, जयपुर और भुवनेश्वर, 9 जगह पे जो है एम्स के अलग अलग जगहों पे इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल है। अभी एम्स के हाईलाइट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इसका फुल फॉर्म जो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर टाइप ऑफ एग्जाम जो है UG लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम नेशनल लेवल के एग्जाम है ये। कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कोर्सेज ऑफर किया जाता है और कोई भी कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। बात की जाए ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स न्यू दिल्ली ही इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है, इसके द्वारा ही ये जो ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ एग्ज़ाम की, तो दोनों ही जो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्ज़ाम भी ले जाएगा, यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो जाएगा। अब बात करें ड्यूरेशन की, तो टोटल आपको थ्री एंड हाफ आवर्स दिए जाएंगे। 3.5 आवर्स में आपको पूरा पेपर जो है कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्विक लिंक्स के बारे में, तो क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्विक लिंक्स दिख रही है मैं सारी के सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर इसी में से कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो और डिटेल में, तो आपको सिंपली उसके सामने जो क्लिक है दिखाया हुआ है उस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करते आपके सामने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम एग्ज़ाम डेट्स की ओर। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम डेट्स के इवेंट्स, जितने भी डेट्स जितने भी इस एग्ज़ाम के इवेंट्स हर एक इवेंट यहाँ पे दे दिया गया है, और उसके सामने आपको यहाँ पे जो है उसका डेट भी दे दिया गया है। लाइक आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मई के एंडिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, मई के स्टार्टिंग में आप लोग का एडमिट कार्ड जो वो रिलीज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे काउंसलिंग के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड के यहाँ पे डेट दे दी गई है, ओपन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी वो डेट दे दी गई है, मीन्स हर एक इवेंट का आपको यहाँ पे डेट प्रोवाइड करा दी गई, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस, एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतनी ज़्यादा सावधानी अलर्ट रखने की ज़रूरत है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलती करते हैं या फेक डिटेल्स भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा इश्यू स्टूडेंट फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता किस साइज और किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है। जब उनसे एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने कहा जाता है तो किसी भी साइज किसी भी फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए।
एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ बेहसान हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, क्योंकि आगे हम जो है एम्स 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, कितनी साइज में आपको स्कैन करना है, कौन सा फॉर्मेट में आपको जो उसे अपलोड करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आप लोगों को उस वीडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो उस वीडियो के माध्यम से भर पाएंगे। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो गाइस अगर आप जनरल क्लास से ओबीसी क्लास से बिलोंग करते हो, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाली 1500 रुपीज़ रहेगी। अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी 1200। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस एम्स एंट्रेंस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दीजिए कि आप भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, उसी के साथ आप ओसीआई या फॉरेन कैंडिडेट रहेंगे तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट है 17 ईयर्स होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे दिया लाइक आपका जो है 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसी के साथ आपका जो है 10th जो है CBSE या ICSE बोर्ड के द्वारा आपका जो इंटरमीडिएट साइंस के जो हिसाब से जो आप 10th आप पास रहनी चाहिए। अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, तो आप PCB यानी कि फिजिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके साथ आपके सब्जेक्ट में रहना चाहिए 12th में विथ इंग्लिश, यानी कि चार सब्जेक्ट कंपलसरी आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए। यहाँ पे फिर मार्क्स के रिगार्डिंग भी दे दिए कि आपके जो टोटल 60% आनी चाहिए फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों को एग्रीगेट करके जनरल कास्ट कैंडिडेट के लिए। और वही अगर आप SC ST या OPH या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है तो आपकी जो है 50% आनी चाहिए फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में एग्रीगेटेड मिला के। बात करेंगे अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम जो है ऑनलाइन होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। उसी के साथ ड्यूरेशन की बात की जाए तो आप लोगों को टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में पूरा पेपर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा, तीसरी और कोई भी लैंग्वेज में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। शिफ्ट की बात की जाए तो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12:30 होगा और एक आफ्टरनून 3 to 6:30 के शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मार्क्स की बात की जाए तो हर एक सही आंसर में आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा और हाफ मार्क्स जो आपका कट कर दिया जाएगा हर एक गलत आंसर पे। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। उसी के साथ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे MCQ टाइप रहेंगे, 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे उस पर टिक करना होगा। और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट दे दिए गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल थिंकिंग, और किसमें से कितने जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पे आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सो गाइस यहाँ पे जब देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज का यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी, वहाँ से भी फुल डिटेल सिलेबस चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट अब एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस एडमिट कार्ड जो है एम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप जो है एम्स MBBS के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है एंड हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही एम्स का एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे। और अब बात की जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ सॉल्व होती है। एम्स MBBS का एडमिट कार्ड जैसे डिक्लेयर होगा आपको नोटिफाई कर देंगे, उसी तरह से जैसे रिजल्ट रिलीज होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे देंगे ऑफिशियल लिंक, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को एम्स MBBS 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई और डिटेल आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है नॉलेज मिल पाई एम्स MBBS 2021 के बारे में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।